भाई और भाई बहुत दर्द हो रहा है? सारी रात दर्द हो रहा था, ठीक से नींद भी नहीं आई, बेमतलब की मुसीबत सर पड़ गई। तुम्हारे साथ रुक जाऊं आज ताकि तुम्हारी केयर कर सकूं? तुम यहाँ रुकोगे तो वहां क्या होगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो परेशान हो जाएगी। किस तरह की बातें करने लगे हो भाई, बदतमीज होते जा रहे हो तुम, क्या चाहिए तुमको? भाई आपने सच में डैड को घर से निकाल दिया था? हाँ। वैसे भी मुझे उस घर की अब कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां दीदी के पास ही रहूंगा, उन्हें भी पैसे चाहिए होंगे ना। डेनिस और डेरिन के साथ रहने के बाद अब आपको डैड के साथ रहने में बहुत अजीब लग रहा होगा ना भाई? तुम भी ना, मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता। एक बात समझ में नहीं आई, क्या पापा के दिमाग में वर्कशॉप से ड्रेसेस चुराने का आइडिया आया कहां से? अरे ये पापा ऐसा क्यों करते रहते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हिकमत को बाद में मेडिसिंस लेनी है, इसलिए मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। क्या बात है डियर, बहुत अच्छे हैं। चलो मैं चलता हूँ। मिलते हैं भाई। तुम बैठे रहो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मैंने सोचा तुम घर वापस नहीं आओगे। ये प्लेट वही रख दो, मैं बाद में खाऊं। मैं तो डर गई थी। मेरी बात सुनो जनाब। देखो अब तुम सोच लो कि आगे तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अब तुम यहां नहीं रह सकती। हिकमत? क्या हिकमत? हाँ क्या हिकमत? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी दीदी के साथ गलत करोगी और मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा? हिकमत, मैंने रियलाइज कर लिया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे अपने से अलग मत करो। देखो तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती जनाब, तुम सिर्फ लोगों का इस्तेमाल कर सकती हो जैसे कि मेरा किया। I swear I love you। दिखावा बंद करो और मुझे हाथ मत लगाओ। देखो जनाब, तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो, जल्दी ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। मेरी दीदी से कुछ तो सीख लो, वो सारी जिम्मेदारियां खुद उठाती हैं। जनाब मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। अच्छा यही होगा कि तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अब तुमसे और इस बच्चे से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले दिन से तुम्हारी मदद करनी चाहिए, पर तुम इसके लायक नहीं हो जैनब, और ये बात तुम जानती हो। mm